दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ वो मुद्दा कुछ उसी तरीके का है जैसा मैंने एक पास्ट में वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सुब्रमण्यम स्वामी के केस के बारे में बात की थी और ये बताया था किस तरीके से उसमें जनता को नुकसान पहुँचाया गया, जनता की किस तरह से हार हुई है। आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। उसी तरह का एक और मैं मुद्दा के ऊपर बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। मुद्दा ये है कि एक इंस्टीट्यूट में दो फैकल्टी वर्तमान समय में सस्पेंशन में हैं, दोनों के ऊपर रेप के चार्जेस हैं। एक जने को पिछले 6 साल से सस्पेंशन में रखा गया है और दूसरे जने को 1.5 साल हो गया तब से सस्पेंशन में रखा गया है। एक मोटे अनुमान के आधार पे करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए इन लोगों को गुजारा भत्ता के लिए दे दिया गया है। तो क्या हुआ है कि 1.5 करोड़ रुपए जनता के खर्च किए गए, आउटपुट जीरो। इनसे कोई काम नहीं, इनको काम सस्पेंशन का मतलब होता है कि राइट टू वर्क को सस्पेंड कर दिया जाए, तो ये कोई काम कर नहीं सकते। इतने साल हो गए इंस्टीट्यूट ना तो कोई इंक्वायरी करा रहा है और ना ही तो इनको बहाल कर रहा है। इसने क्या रख रखा है कि भाई जो आउटकम होगा जो ट्रायल का उसके आधार पर हम डिसीजन लेंगे। अब मान लीजिए वो और ऐसे ही 10 साल लग जाए तो पता नहीं 3-4 करोड़ खर्च हो जाएंगे। और अगर उसके बाद ये ट्रायल में ये लोग बरी हुए तो इनको पूरी सैलरी मिलेगी, मतलब 4-5 करोड़ का ऐसा खर्च होगा जिसमें आउटपुट जीरो है। तो बात आती है कि जनता के इस तरीके से जो पैसा बर्बाद किया जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? या तो इनको इंटरनली कोई इंक्वायरी करानी चाहिए और दोषी हैं तो उनको निकाल देना चाहिए नौकरी से, और नहीं तो उनको ज्वाइन करा लेना चाहिए ताकि वो उनको जो पैसा दिया जा रहा है उसके लिए वो काम करें। इसमें जनता की तो कोई गलती है नहीं, लेकिन नुकसान किसको पहुंचाया जा रहा है? जनता को। तो ये एक और जो एग्जांपल है। अब सोचिए कि ये जो है कि इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, अगर आप पूरे देश का देखिए इस तरह के पता नहीं कितने केसेस होंगे। एक मोटे तौर पे एक रफ आइडिया लेते हैं, मान लीजिए कि बहुत ही सोचिए ऐसे अगर 200 केसेस हो पूरे भारत में तो करीब इसी का देख लीजिए करीब 200 करोड़ रुपए इस तरह से खर्च हो रहे होंगे जनता के, जिसमें जनता का कोई फायदा नहीं है। अब ये जो पैसे जनता के बर्बाद किए जा रहे हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई तो होगा। लेकिन पूरे इस जिस तरह का सिस्टम है इन बातों के लिए कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। कहीं ना कहीं कोई प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि ये जितना पैसा जिस अमाउंट का बर्बाद किया जा रहा है, अगर आप घोटाला देखें तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। मतलब आप सोचिए किसी कोई फंड से कोई बैंक से कोई इतना पैसा ले ले और वापस ना करे 200 करोड़, लेकिन इस तरह के घोटाले के लिए कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा है। तो ये एक जो एग्जाम्पल मैं ले रहा था कि किस तरीके से पब्लिक फंड की बर्बादी होती है, लोग जिम्मेदार नहीं ठहराए जाते। इनफैक्ट एक जो फैकल्टी है उन्होंने हाई कोर्ट में जीता भी है, हाई कोर्ट ने कहा कि इनको रीइंस्टेट करिए, तो फिर इंस्टीट्यूट चला गया सुप्रीम कोर्ट में। मतलब ना तो वो ज्वाइनिंग कराने दे रहा है और ना कोई इंक्वायरी करा रहा है। तो इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, और मंत्रालय वगैरह को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए यही मैं कहता हूँ कि जो जनता के जो प्रतिनिधि हैं ये जो लोग हैं जनता के पैसे को अपने पैसे की तरह नहीं खर्च करते ये। अगर सोचिए कि इनको अपनी जेब से 1.5 करोड़ रुपए देने होते तो क्या ये देते? कभी नहीं देते।
लेकिन जनता का पैसा है, जनता तो पूछने आ नहीं रही है, ना उसको कोई प्रोसेस पता है, ना कोई ऐसा कोई लेट डाउन प्रोसेस है कि जनता आके अपना सवाल जवाब करे। तो इस वीडियो में मैं ये एक गंभीर मुद्दे के बारे में बात करना चाह रहा था, जस्ट लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि पैसे की बर्बादी किन किन तरीकों से हो सकती है और कोई जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। इस तरह के और मुद्दे के ऊपर और भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें बात करूंगा। आज के लिए बस बस इतना ही। धन्यवाद।